इस स्टेडियम में आए हैं दिल्ली में, हम मनोज तिवारी आप सबका अभिनंदन करने के लिए यहां खड़े हैं। वैसे तो मैं सुनता था, विश्वास करता था, लेकिन आज मुझे एक बार फिर से उन लाइनों पे, उन पंक्तियों पे जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है कि लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई मित्र AWPL आयुर्वेदा के मुझे बता रहे हैं, इन्होंने जब मुझे बुलाने के लिए न्योता दिया तो मैंने पूछा कि कितने लोग आएंगे, तो बोले कि मैं सोचा वो IGNC का छोटा सा स्टेडियम होगा। ये हमारे फोटोग्राफर है, जरा ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आके आज कीजिए, आप ये दृश्य जरा सा रहना चाहिए जी। तो जब ये लोग हमारे पास आए बुलाने तो मैंने पूछा कि कहाँ है, बोले कि वो बड़े वाले स्टेडियम में है। मैंने कहा फिर से सोचो, बड़ा वाला स्टेडियम तो हम बड़े बड़े कार्यक्रम में उसको, इस स्टेडियम को आधा कर देते हैं, फिर आधा भी कैसे भरेगा इसकी चिंता करते हैं। और आज जब मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो मुझे सच में जैसा इन लोगों ने बताया कि कैसे आयुर्वेदा से जुड़ के एक
एक से दो, दो से चार, चार से दस, दस से हजार, हजार से दो हजार, दो हजार से एक लाख, अभी कितनी संख्या हो गई है। और ये सभी लोग अपनी परिश्रम से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने ही भारतवर्ष के उस चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेदा से, ना सिर्फ दूसरों के जीवन में स्वास्थ्य परोस रहे हैं, खुशी परोस रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में भी ऐसी खुशियां परोस रहे हैं जिसका उदाहरण आज ये आईजीएमसी स्टेडियम बना हुआ है। और वैसे तो संजोग देखिए, आज ही आपका ये कार्यक्रम है और आज ही कल तक मुझे इंतजार हमें भी था, हमने भी वीडियो बनाया था, जो भी होगा स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आज ही वो 68 साल से जो केस चल रहा था उसका फैसला आ गया और ऐसा लग रहा है सब लोग यहाँ सो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहार, जहि परि जहि करि सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि संदेव। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ये तुलसी बाबा की लाइन है। तुलसी बाबा ने लिखा था, जेही परे जेही करे सत्य स्नेह। ये उन्होंने ये सोच के नहीं लिखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। उन्होंने लिखा, जिसका जिस पे सच्चा स्नेह है वो उसे मिलेगा ही, ये पक्का विश्वास रखिए। इसलिए आपका आयुर्वेदा पे पक्का विश्वास है। जिस आयुर्वेद को लेकर के हमारा देश कभी विश्व गुरु था, आज मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने आप सब पदाधिकारी बनते हैं, आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए। अब ये संयोग है कि मैं एक सांसद भी हूं, और ये संयोग है कि मैं दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी हूं, और ये भी संयोग है कि मैं गाना भी गाता हूं। मैं जब यहां आया तो मेरा गाना बज रहा था, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकी अके पापा, ही हंस दे रिंकी, ही हंस दे, ही हंस दे। ये तो मैं गाता था ना, लेकिन अभी तो मेरा गाना बदल सभी।